बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। दिस इज़ नशीन अहमद फ्रॉम होमफ्लिक्स। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए बहुत मज़ेदार गजरेला। बहुत मज़े का बनता है, डिफरेंट तरीक़ों से लोग बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। आइए चलिए देखते हैं कि मैं इसको किस तरह बनाऊँगी। अच्छा, मज़ेदार गजरेला बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, उसमें मैंने 1 किलो गाजर ली है। दूध मेरे पास है 3 किलो से थोड़ा सा ऊपर ही है। 1.5 किलो दूध जो भैंस का था, उसको मैंने 1.5 किलो दूध को पका पका के थोड़ा गाढ़ा कर लिया, हाफ क्वांटिटी रह गई, और उसको पका के मैंने रात में फ्रिज में रख दिया था। कितनी अच्छी, ये कच्चा दूध था और कितनी अच्छी मलाई है, इसका मेन रोल प्ले करेगी इसकी टेस्ट में। इसमें अगर आपके पास भैंस का दूध ना हो या फिर इस तरह की क्रीम मलाई ना हो, पेस्टराइज मिल्क हो पैकेट वाला, तो फिर आप 1 पैकेट क्रीम का डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास मलाई इतनी शानदार है तो मैं क्रीम नहीं डालूंगी। हाफ कप के करीब राइस है, इनको मैंने सोख कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा ना हल्का सा ब्लेंडर में ब्लेंड कर दूंगी, थोड़ा सा मोटा मोटा, इसके दाना रहे लेकिन ये टूट जाए दाना इसका, या हाथ से तोड़ लेंगे ब्लेंडर में, क्योंकि ये चॉप हुआ होगा, थोड़ा सा ब्लेंड हुआ होगा, तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कुछ बादाम है, इनके हम स्लाइस काट लेंगे। 5 मेरे पास छोटी इलायचियां हैं, ये हम दूध में डाल के पकाएंगे, और ये तकरीबन 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर है। 1 कप मेरे पास चीनी है, चीनी मैं आखिर में एडजस्ट करेंगे, चखेंगे, क्योंकि दूध खुद भी मीठा होता है और हर एक का अपना टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कोई तेज मीठा खाता है कोई हल्का, तो हम अपनी चीनी को अपने टेस्ट बर्ड्स के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। 1 kg मेरे पास गाजर है, गाजर को मैंने धो लिया, छील के धो लिया और उसको कद्दूकश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करके रख दिया है। 1.5 लीटर दूध ये था जिसको मैंने पका पका के तकरीबन 1.25 लीटर कर लिया है। अब 1.5 लीटर दूध मैं चूल्हे पे रखा हुआ है मैंने। गाजर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम पहले गाजर डालेंगे, उसके आधे घंटे बाद हम चावल डालेंगे। गाजर को डाल के, छोटी इलायची डाल के, इसको हम दूध में, जो 1.5 लीटर से ऊपर दूध है हमारा, उसके अंदर पकाएंगे इसको, इतना कि ये थोड़ा गल जाए, फिर हम ये चावल डालेंगे। दूध मैंने पकने रख दिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम गाजर डाल देंगे और छोटी इलायची। छोटी इलायची के दाने मैंने हल्का हल्का कूट के इनका मुंह खोल दिया है, ताकि ये अच्छा फ्लेवर दे दें। अब ये गाजर है, इसमें हम डालेंगे और इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे, तकरीबन 1/2 घंटा। उसके बाद इसमें हम चावल डाल देंगे थोड़ी। अब ये पकेंगे, उसके बाद फिर हम बाद में ही दूसरा गाढ़ा दूध है ना, ये हम थोड़ा ठहर के डालेंगे, नहीं तो ये मलाई सारा घी छोड़ देंगे। मलाई को सबसे एंड में डालेंगे चीनी डालते वक्त, ताकि उसका फ्लेवर उसके अंदर रहे। ये इलायची पाउडर भी हम बाद में डालेंगे एंड में, बिल्कुल जब ये तैयार हो जाएगा। चीनी, बादाम और ये मलाई, ये हम 3 चीज़ें बाद में डालेंगे। अभी हम ये डालते हैं, जब चावल डालेंगे तो फिर हम मलाई वाला दूध भी इसको डाल देंगे। ये देखिए, चावलों को मैंने ब्लेंड कर लिया, इतना बारीक नहीं करना कि बिल्कुल उसको लिक्विड बना देंगे। देखिए, छोटा टोटे के तरह का हो गया, छोटे छोटे सा। इसको पल्स के ऊपर मैंने 3-4 दफा करा है, ये देखें छोटा सा दाना बन गया। अब इसको हम इसमें डाल देंगे, गाजरें हमारी पक गई हैं काफी, 1/2 घंटा हमने पकाया है, कुछ नरम हो गई हैं। अब जब हमने गाजरें डाल दी हैं, और वो तब तक इतनी फिक्र नहीं थी, अब चावल डाल दिए, अब फिक्र करनी पड़ेगी कि थोड़ा सा हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि चावल नीचे बैठ ना जाए, जल ना जाए। अब दूध में से मैंने मलाई निकाल ली है सारी, और ये दूध भी अब डाल देंगे इसमें, ये तो थिक दूध था गाढ़ा, ये भी डाल देंगे और इसको दोबारा पकने रख देंगे। दोबारा से इसको 1/2 घंटा पकाएंगे, लेकिन साथ साथ हम इसके अंदर चमचा भी थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे, 10-10 मिनट बाद, ताकि ये चावल नीचे बैठ के लग ना जाए। ये देखिए कितना थिक और हो गया है, चावल जो है वो गल गए हैं, कितना अच्छा मिक्स हो गया और कितना गाढ़ा सा और इतना अच्छा बन गया मिक्सचर। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी पहले हम, तरीका ये है कि हाफ क्वांटिटी डालें और उसके बाद फिर हम इसको चख लें, अगर हमें जरूरत पड़ी तो फिर हम मजीद डालेंगे। कभी भी एकदम से पूरी चीनी या नमक कोई चीज इस तरह की पूरी नहीं उल्टा देते, कि जब उसको पहले थोड़ी क्वांटिटी डालते हैं, मिक्स करते हैं और फिर चख के फिर जितनी जरूरत पड़े मजीद और डालते हैं। इसको हम पकाएंगे जब तक कि हमारी ये चीनी मिक्स हो जाए, घुल जाए इसमें। थोड़ी सी चीनी और डालेंगे,
थोड़ी सी चीनी मैंने और डाली है, 3 टेबल स्पून। अब इसको मिक्स करेंगे, चीनी मिक्स हो जाएगी। अब हम इसमें ये मलाई डाल देंगे, ये इलायची पाउडर, थोड़ा सा केवड़ा। थोड़ा सा केवड़ा एसेंस जो है ना इसके अंदर बहुत मजे का फ्लेवर देता है, डालें जरूर। मिक्स कर थोड़ा सा, बस ये हल्का सा पकाएंगे इसको। जो साइडें हैं इसको भी अंदर डाल लेंगे, ये खोए का टेस्ट देगी क्योंकि जमा हुआ गाढ़ा दूध है ना जो साइडों पे लग गया है। जी ऑलमोस्ट रेडी हो गए, 1 कप पूरी चीनी डल गई है इसके अंदर, और ये अब हम निकालेंगे इसको और सर्व करेंगे। जी तो रेडी हो गया बहुत मज़ेदार गजरेला, बहुत मज़े का बना है। आप लोग भी बनाएं और मुझे बताएं कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है। और आप लोग भी इन मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देख के। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।